नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अम्फान तूफान ने तेज हवाओं के साथ दी दस्तक, चार लोगों की मौत, दर्जनों घायल। महाचक्रवात अम्फान भारत के लिए आफत बनकर आया है। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान ने बुधवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर दस्तक दी। अम्फान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दर्जनों मकान धराशाही हो गए। पश्चिम बंगाल में 2 और ओडिशा में 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में करीब 1,58,000 लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 41 टीमों को तैनात किया गया है। हर टीम में 41 सदस्य है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में घर और सड़क बह गई है। कोलकाता में मालवाहक विमान सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।